आपसे बात करी तब पता चला कि सीएसवी के जरिए मेरी परचेज एंट्री बहुत ही आसान हो सकती है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी, तो एक और चीज मुझे जानने को ये मिली कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है कॉस्मेटिक्स वगैरह, उसमें मुझे सीएसवी मिल ही नहीं सकती है। मेडिसिन में मुझे सीएसवी मिलने लगी है लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में नहीं मिल रही है, तो इसका क्या करूं मैं, बिकॉज इसमें भी अगेन सेम फिर प्रॉब्लम आएगी मुझे। यस तो पहली जो सिंपल जॉब है वो आप मैन्युअली तो कोई भी परचेज कर ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एससीएसवी से कर सकते हो। और अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता ही है, मेरे से अच्छे ज्यादा से पता है कि आप जगह हगीज डालना चाहोगे, हगीज के डायपर डालना चाहोगे या मामा अर्थ का डालना, कुछ भी हो जो भी मेमी पोको का है, तो जैसे ही मेमी पोको रखेंगे आप 150 अलग अलग आइटम आ जाएगी। अभी आपके पास कौन सा डायपर है, कौन सा पैक है, कौन सा वगैरह वगैरह फ्लेवर वाला है, कुछ है वो आप ढूंढने नहीं पाओगे। और ज्यादातर आपको भी पता है मेरे को भी पता है कस्टमर कैसे काम करते हैं, फिर बोल देते हैं एक बताओ डायपर और डायपर में 18% जीएसटी लगा दो और जो भी है जीएसटी वगैरह, और बस बेचो, कोई भी कंपनी का कोई भी ब्रांड का डायपर हो बेचो। अभी वो क्यों खराब है, अभी बिल्कुल तक चलेगा, पर क्यों ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, और उसका सोल्यूशन भी हम देंगे। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कल को अगर आपका कस्टमर आपको मोबाइल ऑर्डर से ऐप से ऑर्डर देता है और उसको डायपर भी चाहिए दवाई के साथ साथ, अभी आपका इन्वेंट्री उसको अगर अवेलेबिलिटी दिखाता है तो वो मेमी पोको सर्च करेगा, मेमी पोको में जीरो दिखाएगा क्योंकि आपने सब कुछ डाला हुआ है कोई डायपर में, और अगर डायपर वाला प्रोडक्ट है तो उसमें फोटो वोटो कुछ है ही नहीं। तो जैसे कस्टमर फ्लिपकार्ट या अमेजोन या जियो की वेबसाइट पे जाता है, जैसे बढ़िया एकदम कैटलॉग रहता है, वैसा कैटलॉग अपना रहता नहीं। तो ये सॉल्व कैसे किया जाए, बराबर है? तो हम लोगों ने 2-3 पहले एपिसोड के पहले बात किया था, जो पूरा पूरा मेडिसिन मास्टर का कैटलॉग मैनेजमेंट का बात किया था, तब हम लोगों ने आपको बताया था कि फोटो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे जरूरी है। उसमें अगर आपके पास एफएमसीजी प्रोडक्ट है जिसके पास जिसके पीछे कोई ना कोई बारकोड रहता है, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरे पास अभी, ये प्रोडक्ट में नीचे बारकोड रहता है, बराबर है? ऐसा कोई भी अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो आपके 99.9% उसके पीछे बारकोड रहता है और वो बारकोड बहुत यूनिक रहता है। आपके लिए अच्छा न्यूज ये है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50,000 50,000 जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो इंडिया में चलते हैं उसका बारकोड का डेटाबेस इमेज के साथ बनाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एफएमसीजी के बारकोड का कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको स्कैन करना है। तो अभी बात कर लेते परचेज का, परचेज कैसे करोगे, तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते। आपके यहाँ पे परचेज का डिलीवरी आता है, उसमें हर एक एफएमसीजी प्रोडक्ट रहता है। हाँ, दूसरी चीज उसके बारे में, एफएमसीजी के बिल के अंदर भी अगर आप झांक के देखोगे फिजिकल में, आप भले ही 25 साल से धंधा करते हो आपको भी नहीं पता कि मेमी पोको वाला ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है, उसमें नाम ही ऐसा लिखा हुआ है। तभी हम हाँ, लोग, बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ये लोग। यस हाँ, तो तभी हम लोग भी सेम, और सेम टू सेम कस्टमर को भी रहेगा। आप सेल्स बिल भी अगर डायपर लिख के दोगे तो बोलेगा यार हमने दो डायपर लिए, ये किसका प्राइस लिखा है, और प्रोफेशनल नहीं लगता ना सर। अगर आपको धंधा करना है तो ठीक से करना है, प्रोफेशनलिज्म से करना है। तो पीछे जाते हो जो बात कर रहे थे परचेज का, परचेज आई, परचेज का पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 डायपर है, हेयर ऑयल है, ये वगैरह 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 जो भी है, शैम्पू है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना इवाइटल आरएक्स का मोबाइल ऐप दिखाना खोलना है, परचेज में जाके उसमें एक परचेज ड्राफ्ट करके ऑप्शन है, वो आप क्लिक करोगे, आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा, आपको हर एक प्रोडक्ट स्कैन कर देना है, बस सिर्फ स्कैन, पिप 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 पिप, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि कैंडी मैंने 2 बार लिया है 3 बार लिया है, हमारा सिस्टम सब ऑटोमेटिकली एग्रीगेट कर देगा। अगर एक डायपर आपने 5 बार लिया है तो एक ही लाइन आइटम आएगा, 5 लाइन आइटम नहीं आएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जितना कम सोचोगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा, आपको हर एक प्रोडक्ट स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद उसका सब कुछ उसका आ जाएगा, उसको सेव करना है। पर यहां पे एक चीज है, चीज ये है कि आपने अभी डिस्काउंट तो डाला नहीं इसमें, पीटीआर भी डाला नहीं, कुछ नहीं डाला, तो वो चीजें क्या है कि मोबाइल में डालना थोड़ा दिक्कत वाला चीज रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक बार स्कैन कर डाला, हर एक प्रोडक्ट का आपको हिसाब मिल गया कि ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, दो 5 है, सेव कर दीजिए ड्राफ्ट में। अभी आप वेब पोर्टल में वो आपको ड्राफ्ट मिलेगा क्योंकि पूरा सिस्टम क्लाउड पे है, अभी ड्राफ्ट खोल के आपको सिर्फ डिस्काउंट उसमें ना डालना है, बात खत्म हो गई। इतना बढ़िया डेटा रहेगा, इतना बढ़िया डेटा रहेगा कि आप इसके बाद कभी भी
कभी भी एफएमसीजी का परचेज मैन्युअली डालोगे ही नहीं, क्योंकि दरअसल में मेमी पोको का जो पैकेट आपने लिया है वही बारकोड से मैप किया है, वही फोटो में दिखा रहा है, वही स्टॉक में जा रहा है। सेम टू सेम प्रैक्टिस आप सेल्स में भी कर सकते हो, सिर्फ स्कैन करना है। आपकी दुकान में एक नियम कर देने का, अगर बारकोड है तो स्कैन ही होगा, टाइप करने का ही नहीं। हमारा सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड है, कैटलॉग में पूरा बारकोड, जैसे कि मैंने बताया 50,000 बारकोड हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। ये एक फीचर है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, उसमें बहुत ही मेहनत किया है और उसके लिए डेफिनेटली फीडबैक भी हमको चाहिए अगर आपके पास कोई है तो। बहुत ही सही काम किया है, बारकोड्स आपने पहले से मैप करके रखे और डेटाबेस में मुझे मिल रहे हैं, तो पहले ही काफी प्रीसियस चीज मुझे ऐसे ही मिल गई है। ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है, तो दैट आई नो कि परचेज में बैच का भी एंट्री करना पड़ेगा, तो ये सारी प्रोडक्ट्स में मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं बैच डालू, बिकॉज सिर्फ मुझे प्रोडक्ट का सेलिंग दिखाना है, बैच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो आपने ड्राफ्ट तो बना दिया लेकिन फिर भी मुझे बैच तो डालना ही पड़ेगा। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही। तो ये भी हम लोग सीखे केमिस्ट से कि एफएमसीजी में ज्यादातर रिटर्न भी नहीं जा सकता, या तो एक्सपायरी या बैच का इतना मायने नहीं रखता जितना मेडिसिन में रखता है। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल बनाया, ऊपर जाओगे आप जब पोर्टल पे डिस्काउंट डालने के लिए तो जाओगे वेब पे, उसमें साथ साथ एक ऑप्शन रहता है कि मेरे को एक डिफॉल्ट एक्सपायरी डाल देना है, वो 18 महीने का शायद है, या तो एबीसी करके बैच होगा, वो बैच और एक्सपायरी एक क्लिक में डाल देगा सबके लिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्काउंट पे जाना। और डिस्काउंट में भी बहुत अच्छा न्यूज ये है, कई क्या रखा होता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हो, हर एक प्रोडक्ट में एक सेम टू सेम डिस्काउंट मिलता है 3%, तो एक ही क्लिक करोगे 3% सब में अप्लाई हो जाएगा, बात खत्म हो गई, बराबर है। तो बहुत ही स्मूथ जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ रहता है, आपको सिर्फ स्कैन करना है, बस स्कैन करना है। और जो बात आपने बताई बारकोड वाली, ऐसा नहीं है, हालांकि होता है हर एक सॉफ्टवेयर में बारकोड स्कैनर का आइटम आता है, प्रॉब्लम ये है सर जितनी दफा आपके लिए यहाँ पे नया प्रोडक्ट आएगा, ये कैंडी कल को फ्लेवर चेंज करके नई कैंडी आ जाएगी, आपको वो बारकोड डालना पड़ेगा, आपको ठीक से नाम लिखना पड़ेगा। अभी क्या होगा, आप दुकान पे नहीं हो, आपका बंदा काम कर रहा है, उसको तो परचेस, उसको तो ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो फटाफट आगे जाना है, सेल्स करना है, उसको कस्टमर खड़ा हुआ है, तो वो नहीं डालेगा बारकोड। हम लोगों ने क्या किया है, जो हम हमेशा करते, हमारे एक भी केमिस्ट मित्र ने अगर ये प्रोडक्ट डाला है कैटलॉग में आपके बिहाफ पे, ये बारकोड के साथ फोटो के साथ, वो आपको मिल जाता है। तो जो 50,000 जो मैंने बताया, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 है हम लोगों ने कहीं से खरीदा है, ये डेटाबेस में हम लोग रोज का नया 50 नया प्रोडक्ट, मतलब रोज का नया 50 प्रोडक्ट हम लोग ऐड करते हैं। क्यों, देश के कोई भी कोने में अगर कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है और हमारे फार्मेसी के पास, हमारे कस्टमर फार्मेसी के पास आता है, वो आपको भी मिल जाता है। तो ये एक सिस्टम जो बनाया है वो बहुत अनबीटेबल, हम लोगों ने जब चालू किया तो सर हमारे पास 12,000 प्रोडक्ट थे, अभी 50,000 प्रोडक्ट है, हर महीने हम लोग 1,500 से 2,000 नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं इसमें एफएमसीजी में, सिर्फ एफएमसीजी में, मेडिसिन का अलग बात। तो ना ही आप मेरा सिर्फ परचेस इजी कर रहे हैं लेकिन मेरा सेल्स भी इजी हो जाएगा इसके जरिए, बारकोड स्कैनिंग से मेरा बिलिंग भी बहुत ही इजी हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फीचर, मैं जल्द से जल्द इसका यूज स्टार्ट कर दूंगा।